जो भी क्या, अच्छा क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये भाजपा के पास क्या कह रहे हैं, कोई चेहरा ही नहीं है? मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बोले पीएम से इस्तीफा देके सीएम बन रहा। मेरी बात सुनो, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बस। अरे राजस्थान में सीएम के चुनाव है जनाब, सीएम के भी होंगे तब भी बीजेपी का चाहिए, बीजेपी का चाहिए बस, और चेहरा कोई नहीं। चेहरा कोई भी बैठ जाए, गधा भी बैठ जाएगा तब भी जिता देंगे हम तो उसको, गधा बच्चे तब भी जिता देंगे। ओ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, युवा 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 जो है वो परेशान है कांग्रेस से, क्योंकि अभी जो जितने भी यानी एग्जाम हुए सब में घोटाले हुए हैं। अभी रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम के अंदर दो दिन पहले पूरा का पूरा ट्रक पलटी होना ये कोई मजाक नहीं है। रीट का एग्जाम है, 20 लाख लोगों का एग्जाम था और दो दिन पहले ट्रक पलटी हो रहा, उसके बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद पेपर आउट हुए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर बस के अंदर, चालू बस के अंदर पेपर सॉल्व हो रहे थे, ये इस सरकार के अंदर हो रहे थे, चालू बस के अंदर पेपर सॉल्व हुए थे। बस चालू है उसके अंदर पेपर सॉल्व हो रहे, टीचर है डोडासरा खुद आरपीएससी का अध्यक्ष इसके अंदर मिला हुआ है। यही कारण है अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी इस बार, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी किसी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हाँ, 1 महीने कुली का काम करा दो बस, मान लेंगे हम। वो कह रहे हैं मैं कुलियों के पास जाऊंगा, उनकी मुसीबतें समझूंगा तो उनके लिए काम कर साहब, सब समझ सरकार बनेगी तब काम करूंगा ना, सरकार बनेगी नहीं ना। पीएम का चेहरा है कांग्रेस पार्टी के इकलौते चिराग है, मैं भी हूँ पीएम का चेहरा, तो देर को बैठा तो और क्या है। तो बदलाव होगा राजस्थान में, बदलाव होगा क्या? बदलाव नहीं करना, लाना बीजेपी को ही है, लाना बीजेपी को ही। हाँ, तो राज्य सरकार की कुछ भूमिका रहती है? चोर चोर है। हाँ, आप जननायक है, जिसको आता नहीं वो कहेगा जननायक है, चलो हो गया, बोलना नहीं आता गहलोत जी को। कह रहे हैं आप, कह रहे इतनी जादूगर है वो, कुछ सियासी जादूगर का जादूगर है वो, खुद का ही जादू पूरा नहीं करवाया तो दूसरों का क्या करेगा। कह रहे बड़ी पार्टी बदल रहा हूँ राजस्थान में सरकार, क्या क्या बदला परिपाटी, क्या क्या बदला उसने बताओ। कह रहे सब कुछ महिलाओं को काहे के लिए, लोगों की आदतें खराब कर रहा है, क्यों आदत खराब कर रहा है, आराम का दे रहा, सरकार का पैसा तो हमारा ही जा रहा है, फिर किसका जा रहा है? जनता की भलाई के लिए फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ, बोले क्या काय का पानी, वो लाइट का बिल देख लो, फ्री दे रहा है क्या? वो सब में चार्ज बढ़ा दिए, इधर नहीं तो इधर से थप्पड़ मार रहा है, तो ये तो बोल रहा हूँ थप्पड़ इधर से नहीं उधर से मार रहा है वो गहलोत। हाँ, मार ही रहा है, आप तो इसको रिलीज करना। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कुर्सी छोड़ना, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे छोड़ेगी, क्या नहीं छोड़ेगी? वो देखो उदयपुर में उसके बेटे के कितनी बड़ी बड़ी होटल है, फिर वो कहाँ से आया, आया कहाँ से ये बताओ आप। तो क्या कह रहे हैं, अपने बेटे को फिट करने की कोशिश कर रहे हो? अब वो जो भी है, जो भी है, जो भी क्या, अच्छा क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये भाजपा के पास क्या कह रहे हैं, कोई चेहरा ही नहीं है? मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बोले पीएम से इस्तीफा देके सीएम बन रहा। मेरी बात सुनो, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बस। अरे राजस्थान में सीएम के चुनाव है जनाब, सीएम के भी होंगे तब भी बीजेपी का चाहिए, बीजेपी का चाहिए बस, और चेहरा कोई नहीं। चेहरा कोई भी बैठ जाए, गधा भी बैठ जाएगा तब भी जिता देंगे हम तो उसको, गधा बच्चे तब भी जिता देंगे। ओ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे तो गधा भी जीत जाता है, ये क्या बात है? गधे को भी जिता देंगे हम। बस बीजेपी आनी चाहिए जी, उनका मतलब कहने का यही है कि बीजेपी आनी चाहिए। है आनी चाहिए भाई बीजेपी, क्या कारण मानते हैं? आपका परिपाटी है 5 साल की, इसलिए आनी चाहिए या कुछ है वाकई में? युवा 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 जो है वो परेशान है कांग्रेस से, क्योंकि अभी जो जितने भी यानी एग्जाम हुए सब में घोटाले हुए हैं। अभी रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम के अंदर दो दिन पहले पूरा का पूरा ट्रक पलटी होना ये कोई मजाक नहीं है। रीट का एग्जाम है, 20 लाख लोगों का एग्जाम था और दो दिन पहले ट्रक पलटी हो रहा, उसके बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद पेपर आउट हुए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर बस के अंदर, चालू बस के अंदर पेपर सॉल्व हो रहे थे, ये इस सरकार के अंदर हो रहे थे, चालू बस के अंदर पेपर सॉल्व हुए थे। बस चालू है उसके अंदर पेपर सॉल्व हो रहे, टीचर है डोडासरा खुद आरपीएससी का अध्यक्ष इसके अंदर मिला हुआ है। एसआई के एग्जाम हुए थे, एसआई के इंटरव्यू हुए थे, एसआई के इंटरव्यू हुए थे, उसके अंदर डोडासरा ने कईयों के इंटरव्यू लिए, उसके अंदर भी उसने मिली भगत करी होगी। एसआई के अभी तक रिजल्ट बाकी है पिछले बार के, इतनी जितनी भी अभी भर्तियां हैं सारी भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, सारी भर्तियां ड्यू चल रही है 5 साल के अंदर, कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। इस साल इसने जो मोबाइल बांटे हैं ये सब कुछ करा है, ये ओनली फॉर 6-7 महीने के अंदर करा है ताकि इसकी सरकार रिपीट हो सके। और कोई इसका सोल्यूशन, बहनों को मजबूत करने के लिए, 5 साल का था महीना पहले, 5 साल कहाँ थी वो भी तो थी, 5 साल भी तो थे, आखिरी 6 महीने मजबूत करेंगे क्या? भाजपा पीछे पड़ी हुई थी तब, भाजपा पीछे सरकार, युवा कहाँ गए? युवा कहाँ गए? युवा आज बेरोजगार सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बेरोजगार है। आज युवा 20-20, 50-50 लाख फॉर्म भरते हैं, आज बीसीए एमसीए बीटेक करा हुआ बंदा रोडों पे घूम रहा है, उसके लिए कोई यहाँ पे जॉब का ऑप्शन नहीं है। जॉब फेयर लगाया, जॉब फेयर के अंदर बीटेक करे हुए बंदे को आप कॉल सेंटर में लगा रहे हो, ये कौन सा सोल्यूशन है? ये कोई रोजगार नहीं होता, ये रोजगार तो हम भी लगा सकते हैं, हम भी इतने पढ़े लिखे सक्षम है कि हम खुद रोजगार कर सकते हैं, लेकिन बीटेक करा हुआ बंदा कोई वहाँ पे कॉल सेंटर में नहीं बैठेगा कि आपको 8,000 रुपये के अंदर कॉल सेंटर में काम करे। वो 50, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके उसने अपनी डिग्री हासिल करी है और वो 8,000 के अंदर जॉब नहीं करेगा। यही कारण है अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी इस बार।
नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, किसी सॉल्यूशन नहीं है। सारे युवा इससे, सारे युवा परेशान है। 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं जो जिससे युवा बोल सके कि हमारे लिए सरकार ने ये करा है 5 साल के अंदर। इस बार ये 1 साल के अंदर थोड़ी बहुत जॉबें निकाली थी, वो भी अभी सारी जॉबें कैंसिल कर दी है और अब वो जॉब चली गई फरवरी के अंदर, फरवरी मार्च में एग्जाम करेंगे और अगर ये सरकार नहीं आई तो वो जॉबें भी रद्द हो जाएगी, ये श्योरिटी है। ठीक है, आपने कहा पेपर लेके एक बड़ा मुद्दा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये संजीव 20 लाख लोग अगर पेपर देने जा रहे हैं, 500 रुपये अगर एक जने का फॉर्म का फीस होती है, 100 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए इसने, यानी कि जा रहा तो जनता का ही पैसा है वो 100 करोड़, और वो पेपर, वो भर्ती रद्द हो रही है, वो भर्ती रद्द हो रही है, तो इससे 100 करोड़ तो पैसा जो जनता ने फॉर्म भरा उसका 1000 रुपये उसका जो खर्चा आना जाना होगा उसका, बसें फ्री कर दिए। आज 20 लाख लोग हैं और बसें इतनी सी चलती है, उसके अंदर लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, एग्जाम के अंदर 5 मिनट लेट हो रहे तो उनको एग्जाम नहीं देने दे रहे, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी खराब हो रही है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हाँ, 1 महीने कुली का काम करा दो, बस मान लेंगे हम। वो कह रहे हैं मैं कुलियों के पास जाऊंगा, उनकी मुसीबतें समझूंगा तो उनके लिए काम करूंगा ना, सरकार बनेगी नहीं ना। पीएम का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के इकलौते चिराग है वो, मैं भी वो पीएम का चेहरा, तो मेरे को बैठा दो और क्या है, मेरे को ही बैठा हो। हाँ भाई अशोक भाई, पीएम में बनना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इकलौते चिराग बनना चाहता हूँ। ये बनवा देंगे, बनवा दोगे आप? वो कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद में और ज्यादा एक्टिव हो गए, जनता को समझ रहे नहीं, क्या जोड़ दिया, भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था। हाँ वो तो जुड़ा हुआ, वो क्या जोड़ेंगे। इधर लो, कह रहे राहुल गांधी चेहरा है क्या पीएम का? कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं, पीएम के कोई चेहरा नहीं, नहीं कोई लायक, पीएम के लायक ही नहीं है, पीएम के लायक ही नहीं है। कांग्रेस के इकलौते चिराग है, आप कह रहे पीएम के नहीं, नहीं कुछ नहीं है, कुछ है नहीं क्या यार? तो प्रियंका वाड्रा नाक उनकी मिलती थोड़ा मिलती है दादी से, कुछ मिलता तो है उससे, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं पीएम बिल्कुल। तो देखिए आबू रोड की जनता है, उनका कहना है कि शायद जी भाई साहब कोई भी जनता आती है, कोई भी सरकार आए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है जी। कांग्रेस आती है तो पेपर आउट हो जाते हैं, एक युवा बेचारा कई सालों के पैसे माँ बाप के जमीनें दूसरे बेचकर जो पैसे लाते हैं उससे पेपर के अंदर बैठता है और वो पेपर आप आउट करवा रहे हैं, करवा रहे हैं गहलोत जी? नहीं गहलोत जी नहीं, तो गोविंद सिंह डोटासरा के घर से ही चारों आरएएस कैसे बन गए आप समझ सकते हैं, उसी के घर में क्या सरस्वती माता आके बैठे थे, और एक जगह है जहाँ से 100 जने ऐसा ही बन गए, वो एक ही जगह से 100 जने ऐसा ही किस आधार पर बन गए? अब राजस्थान के हम ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पर खेतीबाड़ी होती नहीं है, जहाँ पे हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, महंगी महंगी स्कूलों में फीस भर के पढ़ाते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाता है उसका पेपर पहले आउट हो जाता है, पेपर दे के घर पे आता है, उससे पहले ये होता है कि सिलेक्शन किसी और का हो गया है। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा रोजगार निकाला है, कैसे बहुत सारी वैकेंसी निकाली, बहुत सारी वैकेंसियों में लगाया है लोगों को, परंतु उसमें जब पेपर आउट होने से बहुत सारे के जो काबिल बच्चे थे वो पीछे रह गए और नहीं काबिल थे उनका नौकरी लग गई। अब वो सामने जो गरीब इंसान है मजदूरी पे जाता है वो एक एक रुपया जोड़ जोड़ के बेचारे बच्चे को पढ़ा रहा है, और जब उसका सिलेक्शन होने वाला होता है और वो उस टाइम में पेपर आउट कर देते हैं, ये सारे अधिकारियों के लड़के ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, कोई बड़ा बड़ा ठेकेदार होता है उन्हीं के बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पर चढ़ रहे हैं, एक आम पब्लिक क्यों नहीं जा पा रही? एक तो हम आरक्षण से लड़ रहे हैं, आरक्षण से लड़ के फिर हम ऊपर जाते हैं, हमारे जमीन वमीन बेच कर फिर हमारे माँ बापों ने हमको पढ़ा रखा होता है, फिर इतनी भयंकर इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हम लेकर आज सड़कों पे घूम रहे हैं, क्यों हमारे को 20,000 या 25,000 या 10,000 की नौकरी करनी पड़े, क्यों हमारे को यहाँ पे सड़कों पे घुमा रहे हो ये सरकारें? आज रेलवे के अंदर वंदे भारत शुरू की है बीजेपी सरकार ने, बहुत अच्छी, इसके काबिल तारीफ है, किसके लिए? आम पब्लिक के लिए, अंदर टिकट आम पब्लिक वाला कोई नहीं बैठ सकता, लोकल जो टिकट होता है हमारे पास में औकात है, हम 200-250-300 रुपये तक टिकट लेंगे, उसका 2-2 हज़ार रुपये टिकट है, उसमें VIP लोग बैठते हैं। सर ये भारत है, गरीबों का देश है, और यहाँ पे हम मेहनत करते हैं, परंतु हमारे को कोई मकसद नहीं मिल रहा है, ना तो कांग्रेस से मिल पा रहा है, ना भाजपा से मिल पा रहा है। एक आप पार्टी आई थी, आप भी दावा ठोक रही राजस्थान में, वो आप पार्टी आई थी थोड़े दिन अच्छा चला था आप पार्टी का, पर उसमें भी फिर वो भ्रष्टाचारी बहुत सारे निकल गए, तो हमने तो हम युवा है, हम यहाँ से टैलेंट क्रिएट करते हैं, और हमारा जो क्रीम है वो आज उससे अमेरिका चल रहा है, इंग्लैंड चल रहा है, इटली चल रहा है, सारे देश आज भारत के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ही यहाँ से पढ़ के कुलदीप जी मार साहब है हमारे यहाँ, उनके दोनों लड़का और लड़की यहाँ से इंजीनियरिंग की,
सरकार यहाँ से फायदा सबका उठाया, भारत सरकार का, और वो आज दोनों के दोनों बाहर है, एक्स वाई जेड। हम सारी यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो आप जाके कंडीशन देख लीजिए। उस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पेमेंट 80-90 हज़ार रुपये उठाएगा पर पढ़ाएगा कभी नहीं, मेरे जस्ट पास में चलती है, कभी नहीं पढ़ाएगा वो। बस क्या लग रहा है बदलाव होगा राजस्थान में, क्या माहौल होगा सर? फालतू बेचारे आम पब्लिक को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं सर। आम ये क्योंकि सरकार है, चाहे बीजेपी के बन जाए चाहे कांग्रेस की बन जाए, दोनों ही काका मोमा है। हमारे यहाँ पे मारवाड़ी क्या काका मोमा है, थारो काम मुंह करूं मारो काम थू कर जे।